टोपी लेके आऊं कर देता हूं। ये तो ऐसे ही चली गई। ओके हाय फ्रेंड, मैं मलेशिया में हूँ। मैं जा रहा हूँ, ट्रेवल वाले से बात करने जा रहा हूँ, वन डे टूर के लिए। ओके यहाँ बारिश हो रही है, देखो चलो चलो चलो, यहाँ सही नहीं है, यहाँ पे तो ऐसे ही कोई कोई सा रोड पार कर ले रहा है। तो ये मेरा होटल है, ये देखो पैसिफिक एक्सप्रेस होटल। डू यू नो एनी ट्रेवल एजेंट? मेरी यार ये देखो हिंदी में लिखा हुआ, मलेशिया में हूँ अभी और वन डे ट्रिप के लिए मैं किसी ट्रेवल एजेंट से बात करना चाह रहा हूँ कि एक दिन मुझे पूरा यहाँ घुमाए, खुद घुमाए। अरे वाह कितना सुंदर शूज है, शूज दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। मलेशिया का शॉप, मुझे दूर से एक शूज पसंद आया, कौन सा आया था ये, पर पास से पता नहीं इतना नहीं लग रहा है। डू यू नो हिंदी? अच्छा तो ये 115 का ही पड़ेगा या और सस्ता पड़ेगा? आपको 100 तक का है, ठीक है। नहीं आ रहा क्या ये, देखो ये केल टावर ऐसी, अच्छा हुंडई की है, नहीं होंडा है नहीं, मुझे गाड़ी को एकॉर्ड। ये देखो मलेशिया का नज़ारा भैया, बारिश हो रही है हल्की हल्की थी, वहाँ भी चलना चाहिए। सिंगापुर और मलेशिया में जमीन आसमान का अंतर है, पर ठीक है दोनों अच्छे हैं, मज़ा आता है। यहाँ पे रास्ते में तो मुझे इतना मज़ा आया जब मैं बस से आया सिंगापुर से, इतनी हरियाली देख कर ना दिमाग ख़राब हो जाता है, इतने जंगल बने हैं वहाँ रास्ते में, पहाड़ियाँ पहाड़ों के बीच से एकदम। 6 घंटे, 7 घंटे में मैं अपने होटल पहुंचा था सिंगापुर से मलेशिया। एक्सक्यूज मी, डू यू नो एनी ट्रैवल एजेंट? क्या है यहाँ पे, मैं सिंगापुर में कुछ ही पूछता था मुझे पता चलता था, यहाँ मैं किसी कुछ ही पूछता हूँ कहते कि कुछ नहीं जानते। रुक जाओ, एक्सक्यूज मी, यू आर डू यू नो एनी ट्रैवल एजेंट? व्हाट इज द टाइम टू ओपन? After 15 minutes. Okay. You are from? Bangladesh. Do you know Hindi? Yeah. तो हिंदी बात करें? अच्छा मुझे हिंदी वाले यहाँ ज़्यादा मिल जा रहे हैं। अच्छा मलेशिया एयरलाइंस, अब ये एयरलाइंस का है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है, गूगल की हेल्प लेनी पड़ेगी मुझे। कौन सा है एयरलाइंस, ये वाला ना? चलो यहीं पूछते हैं, शायद कोई बता दे, आ जाओ। हेलो सिंगापुर में भैया बढ़िया था, कुछ भी पूछो सब बताते थे कहाँ क्या है। और यहाँ हिंदी बोलने वाले बहुत मिलेंगे, बांग्लादेशी, नेपाल के, पाकिस्तान का मुझे कोई नहीं मिला, और इंडिया के 3 काफी मुझे मिलते हैं। अब मुझे रोड पार करना, करें क्या? यहाँ थोड़ा सा रिस्की है, 10%। रुक जाओ रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अभी इंडिया भी तो पहुंचना है, मलेशिया में 10% डरना पड़ता है मुझे लग रहा है, और सिंगापुर में तो मैं कह रहा हूँ आप गाड़ी के सामने कूद जाओ तो भी आपको नहीं मारेगा वो, अभी हंस कर आपको प्यार से बोलेगा कि मतलब आपको मुस्कुरा कर ही देखेगा। थोड़ा सा डिफरेंस है सिंगापुर और मलेशिया में, मलेशिया 70% अच्छा है, बस हरियाली बहुत है, मतलब सिटी में नहीं है, उसके बाहर जाता हूँ सिंगापुर। अरे समझ नहीं आ रहा मुझे, एयर टिकट तो पूछ लेते हैं। एक्सक्यूज मी, डू यू नो एनी ट्रैवल एजेंट? ओके, आई नीड वन डे ट्रिप टू सिटी एंड बाटू। आ जाओ बैठो,
Thank you.